सितारा चमन अपने होठों पे नाम सजाए हुए। आओ सब गाएं के डीसी सारे गामा के डीसी सारे गामा KTC Saragama, sponsored by KTC Edibles. किसी भी प्रोग्राम में किसी भी अवसर की शुरुआत इतनी रूहानी हो उसके बाद शब्दों में उसका वर्णन करना और किसी और चीज़ का आगाज़ करना बेहद मूर्खतापूर्ण बात लगती है। दोस्तों मैं चाहूँगा सभी हिंदुस्तानी पाकिस्तानी बांग्लादेशी नेपाली यूरोपीय समुदाय के जितने भी दर्शक गण हैं इस्तकबाल कीजिएगा आज के माननीय जज साहब उस्ताद मेहंदी हसन जी। जोरदार तालियां।
सैकड़ों हजारों उपलब्धियाँ इनके इनके खाते में हैं। उन्होंने इतना ज़बरदस्त काम किया है कि युगों युगों तक आने वाली जनरेशन, आपसे आने वाली पीढ़ी जो है आपसे प्रेरणा ले रही है, लेगी और यूं ही हमेशा आपको अपने उस्ताद, आपको अपने गुरु मानेगी। चंद शब्द आप इन दर्शकों के लिए कहें, आपकी आवाज़ सुनने के लिए बेकरार हैं वो लोग। मैं भाई बहनों का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, गाते हुए मुझे तकरीबन 65 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 65 भूखा हूँ और भूखा रहूँगा। मैं कभी सारे गामा का प्रोग्राम कभी छोड़ा ही नहीं, मैंने सुनता है और कहीं भी होता हूँ, कोई बड़े से बड़ा प्रोग्राम होता है लेकिन जब इसका टाइम होता है आने का प्रोग्राम का, तो सारे फंक्शंस ये वो सब दावतें छोड़कर और मैं इत्मीनान से टेलीविज़न सेट पे आपके अपने घर पे बैठ के सुनता हूँ पूरा। आपको सुनकर बेहद खुशी होती है मुझे, कितनी छोटी उम्र में और कितना महान आपका जहन है और महान आपका। दोस्तों ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं चाहता हूँ कि मेरे जैसा स्वर्ण अवसर सब प्रतियोगियों को मिले और यहाँ पर आकर वे इनसे आशीर्वाद ले सकें। सबसे पहले हमारे आएंगी पहली गायिका यहाँ पर। नाम है सीजा रॉय। सीजा रॉय जी जो पिछले हमारे क्वार्टर फाइनल क्लियर करके इस सेमीफाइनल में आई है, शुभकामनाएं, ऑल द बेस्ट टू यू। आपका नाम? गौरी चौधरी। गौरी जी आपको पहले भी मैं मिल चुका हूँ, बहुत सारे दर्शक मिल चुके हैं और ये बताइए कि कैसा महसूस कर रही हैं सेमीफाइनल में आकर? अभी तक भी डर लग रहा है। अभी तक भी डर लग रहा है, ऐसा मत कीजिए। एंड ऑल द बेस्ट टू यू। थैंक यू। सुनीता शर्मा। सुनीता शर्मा जी कैसी हैं आप? एकदम ठीक। आप तो नेपाल से है ना जी? मुझे याद है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आपका नाम? नेहा चांदना। नेहा चांदना जी आप तो मुंबई से हैं है ना? चलिए मैं हमेशा की तरह सभी की ओर से, सभी दर्शकों की ओर से और जज साहब की ओर से आपको शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट टू यू। KTC Saregama, sponsored by KTC Edibles. दोस्तों समय के साथ आगे बढ़ते बढ़ते हमने 8 क्वार्टर फाइनल क्लियर कर लिए हैं और हम आ पहुँचे हैं सेमीफाइनल के पहले दौर में। तो इस बार हमने 4 गायिकाएं चुनी हैं जो आदरणीय मेहंदी हसन साहब की देखरेख में गीत गाएंगी, चारों राउंड से क्लियर करेंगी। इसलिए पहला राउंड जो होने वाला है वो है ट्रैक राउंड। आजकल अब लाइव रिकॉर्डिंग तो होती नहीं है, म्यूजिक ट्रैक बजता है और गायक और गायिका को उस म्यूजिक ट्रैक को फॉलो करना पड़ता है, उसकी ताल को, उसके सुर को और बीट्स और बार याद करने पड़ते हैं। तो यही टेस्ट है कि अगर उनको रिकॉर्डिंग के माइक पर खड़ा कर दिया जाएगा तो ये कैसे गाएंगे, कॉन्फिडेंस है या नहीं है। सबसे पहले आएंगी पहली गायिका सीजा रॉय जी। सीजा जी ये ट्रैक सॉन्ग्स राउंड है और बहुत इंपॉर्टेंट राउंड है, कौन सा गीत लेकर आई हैं आप? यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में। यूं हसरतों के दाग मोहब्बत में धो दी। खुशी की
बहुत ऐसे बात ये था पहला जिसे पेश किया सीजर रॉय जी ने इस ट्रैक राउंड में और अब आएंगी हमारी दूसरी गायिका गौरी जी जरी उड़ जरी पंछी एंड द ट्रैक स्टार्ट्स नाउ कोशिश की गौरी जी ने और बड़ा अच्छा संभाल लिया इस गीत को बड़ी अच्छी बात है और अब आएंगी तीसरी गायिका जिनका नाम है सुनीता सुनीता जी आप कौन से ट्रैक पे गीत लाई हैं तूने और रंगीले कैसा जादू किया तूने और रंगीले कैसा जादू किया चौथी गायिका नेहा जी नेहा जी आप कौन सा जादू गा रही हैं लता जी का ही गाया हुआ मदन मोहन जी का संगीत ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा हैं बहुत ही खूबसूरत गीत है Oh
ना तुम बेवफा हो ना हम बेवफा हैं, पर ये वक्त बेवफा है और हमने पहला राउंड क्लियर कर लिया है। फर्स्ट राउंड के बाद हम सेकंड राउंड में फिर से मिलेंगे, लेकिन थोड़ी सी देर के बाद। केटीसी सारेगामा स्पॉन्सर्ड बाय केटीसी एडिबल्स। सारेगामा के पहले सेमीफाइनल लंदन में सेकंड राउंड में। ये राउंड खुशबू अपनी मिट्टी की से बहुत मिलता जुलता है। इस राउंड में हम चाहते हैं कि न केवल भारत की बल्कि पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, यूरोपियन देशों, जितने भी यूरोप के में हिंदुस्तानी बसे पड़े हैं, पाकिस्तानी एशियंस जितने भी बसे पड़े हैं, वे सब अपने अपने जो जन्मभूमि है या जिस प्रदेश को वो बिलोंग करते हैं अपने अपने नेटिव कंट्रीज़ में, वहाँ की मिट्टी की खुशबू लोक गीतों के माध्यम से, फोक गीतों के माध्यम से लेकर आएँ। इससे हमें ये सुअवसर मिलता है उन गायकों उन गायिकाओं के बारे में जानने का और उन छुपे हुए लोकगीतों को सुन पाने का जो हमने कभी सुने ही नहीं या जो हमें इस पायदान के अलावा किसी और पायदान में सुनने का मौका नहीं मिल सकता था। सबसे पहले हमारे बीच में आ रही हैं पहली गायिका सिजा रॉय जी। सिजा जी, मुझे याद है कि आपके मूल का संबंध बंगाल से है। बंगाली सॉन्ग ही मैं पेश करूंगी। ये कौन सा लोकगीत है पता है? कुछ हिमालय जी का गाया हुआ फोक सॉन्ग है, भाटियाली सॉन्ग। भाव जाने ना तार संगे नहीं लेना देना खटी सोना छैरा जने ना कल सोना सेजन सोना छैने ना दोस्तों। लोकगीत आजकल के मॉडर्न संगीत का आधार हैं, आप कुछ भी कह लीजिए। फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अपनी अगली गायिका को जिनका नाम है गौरी। गौरी जी बांग्लादेश से खास तौर से यहाँ पर आई हैं। गौरी जी, आपकी तो मातृभाषा बांग्ला है राइट? और गीत कौन सा गा रही हैं आप? हमारा एक बंगाली फोक गाना है। आप अपना खुशी का गाना है या दुख का गाना है? दुख का गाना है। दुख का गाना है। अच्छा। श्री कृष्ण भी छेदे रोले ओंगो जय जली अरे भ्रमर को योगिया भ्रमर को योगिया श्री कृष्ण भी छेदे रोले
बारी आती है तीसरी गायिका की, जिनका नाम है सुनीता शर्मा, स्ट्रेट फ्रॉम नेपाल। सुनीता जी, आप नेपाली गीत गा रही हैं जी? कौन सा गीत है ये? बहुत फोक सॉन्ग है। फोक सॉन्ग है, पश्चिमी ट्यून में है। पश्चिमी ट्यून है जी। अरे, मतलब थोड़ा वेस्टर्नाइज फ्यूजन टाइप है क्या? मैं गा के सुनाऊंगी आपको। हजुर साल को पत्तालायो भोकलाई छैना निन्द्रालाई छैना सुन हजुर के भयो मलाई ढाका टोपी थोए शेर अपनी गुफा में बैठकर अपने शान और शौकों से रहता है, कुछ इसी प्रकार मेहदी हसन साहब एक शेर के माफी मन मन मुस्कुरा रहे हैं और सभी गायिका को गाना सुन रहे हैं और दिल में कुछ सोच भी रहे हैं कि मैं किसको कितने मार्क्स दूं, किसको कैसे काटूं, किसको कैसे बढ़ाऊं। नेहा जी, आप कौन से गीत गा रही हैं? मराठी लावणी। मराठी लावणी गा रही हैं। चिंता त्यांची तिन्ही सांज पातुरा चला दोघ मिळुनी चढू टेकडी वर चढता चढता धरा हात की वाट नसे रुंदा जाळी मंदी पिकली करवंद जाळी मंदी पिकली करवंद जाळी मंदी पिकली करवंद के साथ हमारा सेकंड राउंड यानी कि खुशबू अपनी मिट्टी की और खालिस फोक सॉन्ग्स का राउंड यहीं पर समाप्त होता है। ये ताल राउंड है, बिना ताल के संगीत की कल्पना भी कर पाना नामुमकिन है। खैर, इस राउंड में ताल का टेस्ट होगा और सबसे पहले आएंगी हमारी पहली गायिका सिजा रॉय जी। पहले ताल राउंड था, अब ताल राउंड है और ताल में जितने भी रिदमिस्ट हैं वो अपना कमाल दिखाएंगे। इनके लिए कौन गीत बोलेगा? जवान जानी मन हसीन दिल रुबा मिले तो दिल जवा निसार हो गया। वाह 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 वाह,
ताल आपको मिलती है ये। पर यहाँ पर सिर्फ जानेंगे वो जज साहब, इन्होंने ठीक से ताल ठीक ताल में गाना उठा लिया। वेरी गुड जज साहब, ने आपको हामी दे दी है और आपने ताल राउंड क्लियर कर लिया। वेरी गुड। और अब आएंगी दूसरी गायिका हमारे बीच में, गौरी, जिनका नाम है, और गौरी जी के लिए कौन गीत बोलेगा? तुम मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए। वेरी गुड। मैं रहूंगा जिंदगी भर सारे संसार, मैंने तुझी में पाया। गुरुजी इनको गाना तो नहीं आता था लेकिन कोशिश कर ली इन्होंने, काफी संभाल लेगी। वेरी गुड जज साहब, बड़े नरम हृदय के हैं, इन्होंने आपको छोड़ दिया क्योंकि आपको बोल तो नहीं आते थे लेकिन फिर भी आपने न करके संभाल लिया। चलो कोई बात नहीं। वेरी गुड। अब आएंगी तीसरी गायिका जिनका नाम है सुनीता शर्मा जी, शर्माती हुई, और इनके लिए कौन गीत बोलेगा? सोच सोच जानम हम क्यों आए तेरे लिए आए। आपको आता है ना गाना? आता है ना? ठीक है। सोच 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 जानम, सोच सोच जानम में गा रहे हैं, इसको हाथ में गाइए। सोचो सोचो जानम हम तेरे लिए आए, देखो देखो जानम हम क्यों आए तेरे लिए आए। सर मार दिया जाए छोड़ दिया जाए? बहुत मुश्किल आपने सवाल डाल दिया इनके ऊपर। मुश्किल राउंड था ये। है तो मुश्किल बहुत। हाँ लेकिन फिर भी रनी में थे, ठीक कर गई हैं, थोड़ा बहुत तो ठीक कह गई हैं, तो इसलिए ये जोरदार ताली जज साहब के लिए। ये बहुत ही खुले दिल से मार्क्स दे रहे हैं और आपने भी, आपको भी साउंड में क्लियर कर दिया इन्होंने, थोड़ा बहुत जो आपने गड़बड़ किसको भूल गए हैं वो, और आपको साउंड में क्लियर कर दिया। और अब आएंगी चौथी गायिका नेहा चांदना जी। कुछ मेरे दिल ने कहा, कुछ तेरे दिल ने सुना। गाने के बोल तो ये हैं लेकिन ताल है ये। बहुत खूब। और आपने और ये राउंड चारों गायिकाओं ने क्लियर किया है। कुछ थोड़ा बहुत कहीं कहीं ऊपर नीचे हुआ था परंतु इस राउंड में जो मुश्किलात का सामना करना पड़ता है उसको ध्यान में रखते हुए मेहती सन जी ने इन सभी गायिकाओं को
बिल्कुल संभाला है सब, बहुत अच्छा संभाला है। आपके जरनवाजी हैं खान साहब, क्या सच है कि आप वास्तविकता, आपका वास्तविक संबंध जयपुर से था? जी हाँ, लूना का है, लूना का, जयपुर के पास में डिस्ट्रिक्ट झुंझुनू अब हुआ है। तो पार्टीशन के बाद में आपका पाकिस्तान में जाना हुआ? जी हाँ, पाकिस्तान आ गया मैं। आपके परिवार में ही, घराने में संगीत था या आपने, आपको जी शौक था? मैं कलाम फैमिली से हूँ और मेरी 16 जनरेशन, 16 पुश्त, तो मैं 16वां आदमी हूँ। अच्छा, तो मेरे पुश्त वापस चला रहे। गजल गायन के साथ साथ जो पार्श्व संगीत, प्लेबैक सिंगिंग भी किया आपने, कितनी फिल्मों में आपने गाने गाए, बेशुमार फिल्मों में आपने गाने गाए? मेरे मैंने 54,000 गाने, गजल गीत गाए हैं। ओह बाप रे, तो वो उसमें शुक्रिया। और आज तक गा रहा हूँ, तो अभी मैं जब कोई नया या नई गजल बनाता हूँ जी, उसमें तलाश करता हूँ कि कौन सी लाइन रह गई जी नई, तो उसमें वेरिएशन में इजाफा करने में जी जी जी। मसलन मैं आज आप सुनेंगे मेरे कोई गजल, कल सुनेंगे तो उसका कल कोई और रूप होगा, कोई और रूप, कोई और रंग होगा। दो चार दिन के बाद सुनेंगे तो कोई रूप और हो जाएगा। सही बात है। तो ये है कि इससे गाना ख़त्म नहीं होता, संगीत ख़त्म नहीं होगा, रवानगी और ताजगी बनी रहती है। खूब से खूब तर कहाँ। सही बात है। अभी जैसे आपने कहा, आप जो वेरिएशन करते रहते हैं, इसी वजह से आज भी जब आपने प्रोग्राम का आगाज़ किया तो मैं सोचा था कि आपकी आवाज़ में रत्ती भर भी कोई फ़र्क या कोई कुछ नहीं, तब से आज तक आपकी आवाज़ वही उतनी ही ताजगी, वो खुशबू बिखेरती है। ये ऊपर ऊपर वाले की देन है। और आपका रियाज, मेरी खूबी नहीं है ये, आपकी मेहनत, आपका रियाज भी है काफ़ी कुछ। जोरदार ताली एक बार साहब के लिए। तो लीजिए दोस्तों, इसके बाद हम चौथे राउंड में फिर से बढ़ेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। KTC Saregama, sponsored by KTC Edibles. हम हाजिर हैं दोस्तों सारेगामा के लंदन स्पेशल में, पहले सेमीफाइनल में, चौथे राउंड में। ये चौथा राउंड हमेशा की तरह जजेस की ओर हमारा आदर सम्मान होता है। जजेस जो पिछले 3 राउंड से गायकों गायिकाओं को सुन रहे होते हैं, उनको एक मौका जरूर मिलना चाहिए अपनी तरफ से गायिकाओं को और गायकों को टेस्ट करने का। सबसे पहले हमारी जब पहली गायिका आएंगी, सीजा रॉय जी। खान साहब, क्या हुक्म है आपका? जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। वाह 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 वाह। अगर याद है तो, अगर मैं शोला था जल बुझा हूँ गाना, शोला था जल बुझा हूँ, यही बहुत अच्छा है। शोला था जल बुझा तुम तो जिंदगी
गौरी जी आ गए हैं और गौरी जी के लिए जज साहब का क्या हुक्म है ये हमें पता चलेगा। इन पे छोड़ दीजिए। आपने कहा ना जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं। जी जी मैं ये गा सकती हूँ। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, ये एक और मेहदी साहब की गाई हुई गजल थी जिसे पेश किया गौरी जी ने। ये भी इनके मर्जी पे छोड़ता हूँ, दिल से जो गाए ये। लता जी का भजन गा रही हूँ। दोस्तों कुछ कुछ परेशानियाँ कभी कभी जैसे सुनीता जी को फेस करनी पड़ सकती, क्योंकि ये हैं नेपाल से और कहीं कहीं तलफ़ में या प्रोनंसिएशन में फरमाइश करूँगा जो इनका दिल करे।
बहुत अच्छी, वाह वाह, इतनी अच्छी गायिकाओं को सुनकर, चारों गायिकाओं ने कितना अच्छा गाया सुनकर वाकई में यकीन होता है कि आजकल की जो नई जनरेशन है वो एक बार फिर से शास्त्रीय संगीत की ओर और अच्छे सुरीले गायन की ओर बढ़ रही है। खैर, इसी के साथ हमारे चारों राउंड यही पर समाप्त हुए। चारों गायिकाओं ने अपने अपने गीत चारों राउंड से गुजर कर सुना दिए हैं। अब वक्त है निर्णय का। KTC सारेगामा स्पॉन्सर्ड बाय KTC एडिबल। हाँ सर, अभी इससे पहले कि आप ये बताएं कि जीता कौन है, कुछ ये बता दें कि आपको चारों में क्या क्या अच्छा लगा और कैसा लगा आपको चारों, इससे पहले कि आप डिसीजन बताएं। बहुत, चारों बहुत अच्छी हैं जी, लेकिन इसमें लय और सुर के हिसाब से ये सीजा रॉय आज की पहली गायिका। नेहा जी आप भी आइए, दुर्गा जी आप भी आइए, गौरी जी आप भी आइए। खान साहब, मेरे ख्याल से ये सही वक्त है क्योंकि आपने इतनी रूहानी अंदाज से इस प्रोग्राम की जो शुरुआत की थी, मैं चाहता हूँ कि इस जो इस प्रोग्राम का क्रम चल रहा है वैसा ही उसी क्रम से ये ख़त्म हो, इसका माहौल उसी तरह रूहानी बनाया जाए और आप अपनी रूहानी अंदाज में ही इस प्रोग्राम का समापन करें। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गया, रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गया। पहले जा फिर जाने जा, पहले जा फिर जाने जा, फिर जाने जाना हो गए। मेरी हस्ती का सामा दिल ब दिल बढ़ती गई, इस हुस्न की रानाइया दिल ब दिल बढ़ती गई, इस हुस्न की रानाइया। पहले गुल फिर गुल बदल, पहले गुल फिर गुल बदल, फिर गुल बदामा हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरे हस्ती का सामा। KTC Saregama, sponsored by KTC Edibles.